हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियोकॉन का फ्लैट टीवी रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसका वर्टिकल का प्रॉब्लम है। तो चलिए जल्दी से टीवी खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने खोल दिया है और चलिए अब हम इसके वोल्टेजेस चेक करते हैं। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर ये देखिए वर्टिकल सेक्शन में ही ये प्रॉब्लम आता है। और इसके जो वोल्टेज है, ये देखिए इस ESD से निकलकर इस वर्टिकल IC के लिए गए हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर देखिए +15 के आसपास और यहाँ पर -15 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए। तो चलिए एक बार हम इसे सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसके वोल्टेज आते हैं या नहीं। तो ये देखिए, ये काला प्रोब में टीवी के ग्राउंड पर लगाता हूँ और मीटर की रेंज हम 600 पे लगाएगी दोस्तों। और चलिए इसे मैं सप्लाई देता हूँ। तो सबसे पहले हम 110 वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टैंड बाय पर 40 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हम इसको स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, स्टैंड बाय रिलीज करने पर 107 108 वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों, जो कि वोल्टेज ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर 30 वोल्ट और ये ऑडियो सेक्शन के लिए ये भी ठीक है दोस्तों, 12-13 वोल्ट। तो चलिए इस वर्टिकल IC पर चेक करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, इस बीच में दोस्तों माइनस वोल्टेज आने चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, -13-14 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर +14 और यहाँ पर +14 आने चाहिए दोस्तों, जो कि वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही। तो चलिए देखते हैं ESD से वोल्टेज बनते हैं या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये -13-14 ये वोल्टेज बन रही है दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ पर +13-14 वोल्टेज हमारे नहीं बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसी का वजह से दोस्तों हमारी वर्टिकल लाइन आ रही है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये डायोड ख़राब हो गया है या इसकी कैपेसिटर ख़राब है, वो निकाल कर चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसके जो ये देखिए ये कैपेसिटर है, ये थोड़ा सा फूल चुका है दोस्तों। और इसका हम डायोड भी चेक करेंगे दोस्तों। तो डायोड चेक करने के लिए हम मीटर की रेंज कंटिन्यूटी पर लगाएंगे। ये देखिए, और ये देखिए, ये माइनस का डायोड ठीक है। और ये देखिए, तो ये डायोड भी ठीक ही दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए हम सेफ ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर चेंज करेंगे और उसके बाद हमारे वोल्टेज आते हैं या नहीं हम चेक करते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, इसका कैपेसिटर हमने निकाल दिया है और देखिए इसकी जो वैल्यू है, ये देखिए 470 माइक्रोफेरेट 25 वोल्ट है। तो चलिए अब हम इसकी जगह नया वाला लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये नया वाला कैपेसिटर हम लगाएंगे 470 25 वोल्ट। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा कैपेसिटर है वो हमने लगा दिया है। तो चलिए अब हम एक बार फिर से इसके वोल्टेज चेक करते हैं। मीटर की रेंज हम 600 पर लगाएंगे और ये ग्राउंड पर। तो चलिए हम एक बार फिर से वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने सप्लाई दे दिया है। तो अब हम इसको स्टैंड बाय रिलीज करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, स्टैंड बाय को मैंने रिलीज कर दिया है और ये देखिए 110 वोल्टेज आ चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 14-15 के आसपास वोल्टेज हमारे अब आ चुके हैं। और आईसी पर भी चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 14 प्लस, यहाँ पर 13 माइनस और यहाँ पर 14-15 प्लस। तो दोस्तों हमारे वोल्टेज तो ठीक आ रहे हैं अभी दोस्तों। तो चलिए एक बार हम डिस्प्ले पर देखते हैं क्या शो होता है। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने अच्छी तरह से फिट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसको सप्लाई देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सप्लाई हमारा टीवी में आ चुका है। तो चलिए एक बार हम इसे रिलीज करते हैं। तो स्टैंड बाय रिलीज तो हो चुका है हमारा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो वर्टिकल का जो प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम हमारा ठीक हो चुका है दोस्तों। तो ये जो लाइनिंग आ रही है दोस्तों, ये कैमरे की वजह से हो रहा है दोस्तों, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।